बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि नालंदा जिले में नालंदा निर्गुणालय और राज्य सरकार के प्रयास से जिन्होंने रोजगार का जो अवसर दिया है युवाओं को, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज बड़े रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यह बिहार का बात नहीं, सिर्फ पूरे देश में आज बेरोजगारी है, लेकिन जो प्रयास हुआ है हमारे जिला नियोजन कार्यालय से और राज्य सरकार से, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और हर साल हम इस मेले को बेरोजगार के लिए लगेगा, क्योंकि जहाँ पर आप आज लगभग 22 कंपनियां यहाँ आई है, और आप लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि जिस तरीके से नालंदा के लोगों को पर्चे देना चाहिए, जो आपने पर्चे दिया है शांति का, अभिभावक का, और खास करके जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित, लगभग 9 से 10 हजार लोग उपस्थित हैं, उसके बाद भी आपने एक शांति का पर्चे दिया है, इसके लिए मैं तमाम युवा साथियों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने, बल्कि हमारे जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं दूसरे जिला में बड़ा परेशानी होता है, लेकिन नालंदा के लोग सच हैं और काफ़ी हम लोग को इज्जत कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ। ऐसे मौके पर हर साल इस रोजगार का अवसर मिलेगा, और मैं समझता हूँ सरकार का भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बच्चे बेरोजगार है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए अभी बिहार के लगभग 11 जिले में यह निर्गुणालय के द्वारा शुरू किया गया है, और वैकेंसियां भी आती रहती है। हम आपसे यही विनती और निवेदन करेंगे कि आज यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं वो लगभग सब पढ़े लिखे, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोगों के पास टेक्निकल डिग्री भी है, कुछ बच्चे 8वां पास भी आ गए हैं, 9वां पास भी हैं, 10वां पास भी हैं, 12th के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, और बहुत से बच्चे जो कंप्यूटर का भी डिग्री लेके यहाँ आए हैं। उन तमाम लोगों को लगभग 1200 बच्चे का यहाँ नियोजन किया जाएगा, लगभग जो वैकेंसियाँ हैं, कुछ आज होगा कुछ और टेस्ट भी लिया जा सकता है। कुछ कंपनियां जो है वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे आज कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चों को हम टेस्ट लेंगे अगले दिन के लिए, तो उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे उसमें जाए, ये हमारा शुभकामना है। और मैं आप से ही विनती और निवेदन करूँगा कि सरकार का जो प्रयास है कि हम बच्चों को रोजगार दें, उसमें आप सिर्फ यह नहीं सोच लें कि हम PhD कर लेंगे, MSc कर लेंगे, BSc कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। जो MBA कर लिए है उनको भी दिया जा रहा है, जो होटल मैनेजमेंट किए हैं उनको भी दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में बच्चे को चाहिए टेक्निकल जानकारी रखना, और मैं आपसे ही निवेदन करूँगा कि इस अवसर पर हम राज्य सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि अन्य राज्य में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था शुरू किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर साल ऐसे तरीके से मेले लगेगा और बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार जो कोई भी बच्चा जिसका उम्र 18 साल से अगर अधिक होता है, और बच्चे पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल हैं, हर क्षेत्र के बच्चे यहाँ आएंगे और उनको जॉब मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो वैकेंसी आ रही है आप उसमें भी एप्लीकेशन डालिए, लेकिन यहाँ भी मत छोड़िए, अपना जिला है, इस जिले में आकर भी आप दान धान में रहिए कि आप बाहर अगर अप्लाई नहीं करें जिले में करें। आज तो कई कंपनियाँ आई है जो बाहर भी ले जाएगी, हम आपसे ही विनती और निवेदन करेंगे कि अपना पर्चे आप शांति का दिए हैं, शांति से अपना काम करें, और जो भी कंपनियां आई है उनसे मेरा भी गुजारिश है कि हमारे जो बच्चे हैं जो जिस लाइक है, अगर अच्छे बच्चे टेक्निकल जानते हैं तो उनको उस टाइप का पैसा दिया जाए,
जो कार्य रखने वाले हैं उनको हर तरह का पेमेंट लेने वाले लोग यहाँ बच्चे हैं जो कम पढ़ाई करके आए हैं उनका अलग स्केल होगा, लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सारे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से लोग जॉब पावे, इसके लिए मैं उनको अनुरोध करूँगा और आपसे विनती और निवेदन करूँगा कि आप शांति से अपना काम करें और जॉब के प्रति प्रयासरत रहें। निश्चित रूप से सरकार प्रयासरत है, सरकार चाहती है कि बिहार के बच्चे बेरोजगार न रहें, हर क्षेत्र में कैसे रोजगार हमने इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ कि हर साल ऐसे ही मेला लगे उसमें आप जरूर आइए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिले वो जरूर मेले में आवे और रोजगार पावे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।